के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज सातवीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विज आजकल धुआंधार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। आज अम्बाला के बाजारों में डोर टू डोर प्रचार करते हुए विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह 6 बार अम्बाला से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार पिछले सभी चुनावों से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। मैं 6 बार चुनाव जीत चुका हूँ अम्बाला के। इस बार उन सबसे ज्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोगों ने, अम्बाला छावनी के लोगों ने मेरे चुनाव कैंपेन की कमान अपने हाथ में ले ली है। वो प्रोग्राम बना रहे हैं, जहां मुझे कहते हैं मैं पहुंच जाता हूँ। हर तरफ भारी उत्साह, मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, जहां मैं जा रहा हूँ बहुत उत्साह मिल रहा है। अरे हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। यहाँ पे एक असली एक नकली कांग्रेस लड़ रही है, वो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं कि नकली कौन है इनमें से। देखिए मंत्री कैसा हो, अनिल विज जैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, अनिल विज जैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, अनिल विज जैसा हो। देखिए चढ़ोनी जी किसानों मजदूरों के नेता अच्छी प्रकार से सारी राजनीतिक स्थिति को समझते हैं, उसी के अनुसार उन्होंने अपनी बात कही। वहीं राहुल गांधी का आज अम्बाला दौरा है, जहां राहुल गांधी अम्बाला, सढ़ोरा, मुलाना, शाहबाद सहित हरियाणा के कई विधानसभाओं में जाने वाली है। उस पर विज ने चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी जितना यहां आएंगे उसका उतना ही फायदा मिलने वाला है, क्योंकि लोग राहुल गांधी के विदेश में रिजर्वेशन खत्म करने के बयान के बाद से गुस्से से भरे हुए हैं। देखिए राहुल गांधी जितना आएंगे यहाँ पर उतना ही भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। जो इन्होंने विदेश में जाके बयान दिया कि हम रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, लोग गुस्से से भरे हुए हैं, लोग कांग्रेस से हिसाब किताब करना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी संविधान के साथ खेल खाल की है। इस खानदान ने, इसकी दादी इंदिरा गांधी ने 1975 में संविधान को एक तरफ रख के सारे अधिकार छीन कर, मौलिक अधिकारों को छीन कर 1.5 लाख लोगों को जेलों में डालकर इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। ये इनके DNA में है कि संविधान के साथ खिलवाड़ करना। देखिए कांग्रेस गुब्बारे बेचने वाली पार्टी है, हर चुनाव में रंग बिरंगे घोषणाओं के गुब्बारे लेके आ जाती है। इन्होंने इसी प्रकार की घोषणाएं हिमाचल के समय की थी। हिमाचल का हाल जाके देखो, आज तनख्वाहें नहीं दी जा रही उनसे, पेंशन नहीं दी जा रही, कर्मचारी अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं जमा हो पा रहे। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने घोषणा की कि मैं हरियाणा को हम नशा मुक्त करेंगे, और इसी खड़गे जी का और राहुल गांधी का मुख्यमंत्री हिमाचल में कहता है हम नशा पैदा करेंगे। ये है, ये दो मुआ सांप है, दिखाता कुछ है करता कुछ है। वहीं विज ने कांग्रेस को रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने वाली पार्टी बताया और कहा कि हिमाचल में भी इन्होंने ऐसी ही घोषणाएं की थी, लेकिन आज हिमाचल का हाल सबको पता है। बहरहाल चुनाव के बाद आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।